फरीदाबाद के जीवन नगर गोंछी इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। पीड़ित भाई के मुताबिक उसकी बहन के साथ जीवन नगर गोंछी के कुछ मुस्लिम युवक छेड़छाड़ करते थे, जिसके बारे में उसकी बहन ने उसे बताया था। इस बात का पता चलने पर उसने उन युवकों को समझाते हुए ऐसा ना करने की हिदायत दी थी, जिस पर बदमाशों ने उसे देख लेने की धमकी दी थी और मौका मिलते ही बदमाशों ने पीड़ित उसके भाई को जीवन नगर गोंछी इलाके में घेर लिया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे ऑटो में अपहरण कर कबाड़ी मार्केट में ले गए, जहां उसके साथ फिर जमकर मारपीट की गई और उसके पास रखे 1.5 लाख रुपए भी छीन लिए गए। इतना ही नहीं, किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मुश्ताक है। मुश्ताक जी, क्या हुआ, क्या मामला है, लड़ाई झगड़े का? ये लड़ाई झगड़े का ये मामला है जी सर। करीब 10-12 दिन पहले ये कृष्ण ने हमारे घर पे लेटरिंग फेंकी, पन्नी में पत्थर फेंके और दारू के पौवे फेंके रात को 11:30 बजे। उसके बाद जी मैंने इससे कुछ नहीं बोला, मैंने कि ये रात का मामला है, इसने नशा कर रखा है, ये नशा इंजेक्शन लगाता है जी और गांजा पीता है। उसके बाद मैं 10 बजे इसके घर गया सुबह, इसकी दुकान पे, ये इसकी दुकान है पटंगर मंदिर के पास में, वहाँ मैंने इससे बोला कि मैंने भैया अपनी मम्मी का नंबर दे, आप मम्मी को बोला, बोला भैया मम्मी नहीं है। तो ये तो लूट का और लड़की का आरोप लगा रहे हैं कि भाई सर ये 10 दिन पहले की बात है, मैं सारी बता रहा हूँ। उसके बाद इसकी मम्मी मेरी दुकान पर आई है, इसकी मम्मी ने बोला है कि बेटे जो हमारे लड़के ने जो भी नशे में जो कुछ कर दिया उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने आंटी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ चौकी, मेरे घर पे ऐसे ऐसे वारदात हुई है। तो इसकी मम्मी ने बोला बेटा जो बात हो गई यहीं दबा दो, आगे से कोई बात नहीं होगी। अब सर ये परसों रात की बात है, 10:30 बजे रात को आया है, बोल रहा मैं पंडित हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा और मुल्ला ने मैं गोली मार दूंगा और मैं दोनों मामी और भांजी को उठा के ले जाऊँगा और इनके इसके जो मामा हैं उनमें सालों में गोली मार दूंगा, 24 घंटे रोड पे रहते हैं। तो जी मैंने फिर इसके पास मैं गया इसकी दुकान पे। कब कब बोले थे आपसे ये बात? परसों इसने बोली। तो आपने परसों पुलिस को शिकायत दी है? कोई शिकायत नहीं करी जी, मेरे को रात बताई थी मेरी घरवाली ने। आज जो लड़ाई हुई है उसको? आज लड़ाई में ये होता है जी, मैं इसके पास गया, मैंने भाई कृष्ण ऐसे क्यों वारदात कर रहा है? तो ये सुबह 9:30 बजे के करीब मेरी भांजी तो बैठक में थी और मेरी बहू अंदर रोटी बना रही थी, ये सीधा घर में घुसा, इसने नशा कर रखा था, इंजेक्शन लगा रखा था टर्मिंग वाला, नशा कर रहा था, अंदर घुस गया जी। तो मेरी भांजी ने शोर मचाया कि मामी 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 मामी, इतने ये ऊपर से उतर के आई धक्का मुक्की में, वो भाग गया, बाइक लेके चला है, इसके पास पल्सर बाइक थी ब्लैक कलर की, उसको लेके भगा, एक खम्भे में गिराया बाइक, वहीं मेरी गली में पड़ी है अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे फिर मैंने इसे बोला, मैंने कि कृष्ण भाई ये बहुत गलत है। मुश्ताक जी 1.5 लाख की लूट लगा रहे हैं, ये कितना सच है सर? ये तो बिल्कुल झूठ है जी, ये तो पुलिस को शिकायत दी आपने? हाँ जी, पुलिस को शिकायत दी हमने बाकायदा। हमारे पास जब मैं इसे बिठा के ले गया हूँ ऑटो में, मैंने कि कृष्ण चल तू दुकान पे बैठ के, ये बोला भैया मुझे दुकान पे ले चलो, वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो उस कैमरे में ऑटो आ रहा है जिसमें लड़के बैठ के, हाँ इसे मैं बिठा के लाया हूँ और ना मैंने इसके साथ कोई मार पिटाई करी। अगर मेरा कोई कहीं प्रूफ मिल जाता है तो उसका स्वयं मैं जिम्मेवार हूँ। और बताओ ये सर, पहले मेरी बहन का मामला था, ये पहले छेड़ते थे, हम गोंची में रहते थे उनके पड़ोस में, तो यहाँ छेड़ाखानी करते थे। इसने घर में बताया तो पापा बोले कि यहाँ से मकान इसे किराए पे छोड़ देंगे, अपना वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सियानी सियानी लड़की है और कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, हमारी बदनामी होगी, ठीक है जी। फिर हम वहाँ चले गए तो एक दिन ऐसी मेरी बहन यहाँ पार्लर आती है पाल स्कूल के पास, तो वहाँ ये 4-5 लड़के आके छेड़ाखानी करने लगे थे और छेड़ाखानी, फिर इसने फ़ोन करा मेरे पास, भैया ऐसे ऐसा बात है मुझे घेर लिया, तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो भग गए थे, कहने का तुझे तो हम बाद में देख लेंगे कोई बात नहीं। तो आज मैं घर सामान लेने गया था तो वो मम्मी ने वो मंगाए थे चूल्हा और टप, तो मैं सामान लेने गया, किसी ने खबर कर दी कि यहाँ पे वो आया है, सो इसने मुझे घेर लिया वहाँ लेबर चौक पे अकेले। फिर इसने फिर मेरे से कह रहा कि अपनी दुकान की तरफ चल, अपनी दुकान की तरफ, मैंने कि ठीक है। वहाँ दुकान की तरफ जाके इसने सभी लड़के बुला लिए, 15-16 लड़का आए थे, 2 टेम्पू भर के डंडे फंडे लेके चक्कू तलवार लेके, और फिर इसने सोई, मैंने वो लड़का मैंने की रिचार्ज डलवा के लिए मेरे फ़ोन में, जैसे मैंने पैसे निकाले 1.5 लाख रुपए जेब में थे, वो डीलर को देने थे, पापा देख गए थे सुबह सुबह, तो उसने सोई बुला के लड़के और मारपीट करके मेरे सर में डंडे डंडे बजाए, फिर हाथ लगा लिया तो फिर हाथ तोड़ दिया। क्या पास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी है जी? अभी कंप्लेंट करी है, फिर उन्होंने कह दिया कि मेडिकल कराओ जाके, मोबाइल की दुकान है उस पर कैमरे लगे हुए हैं दोनों साइड। पुलिस को दे दिया? हाँ जी, 112 पे फ़ोन करा था, तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा ऐसे कंट्रोल रूम से फ़ोन आ रहा है,
और उनसे नु कह दिया कि मैं किसी, उन्होंने कहा कि किशन कहाँ किडनैप कर रखा है, तो मेरे से कह रहे कांच की बोतल ले रखी थी बियर की फोड़ के, तो नु कहे तो मैंने कर देनी अवाल त्रिपीट में दे इसे, तो मैंने कह दी थी मैं किडनैप नहीं कर रखा, मैं तो बैठा हूँ कहीं, ये बात थी। और टम्पू में डाल के आँखों पट्टी बांध के पता नहीं कहाँ ले गए थे मुझे, नु कहे से उसकी कोठी पर ले चल रहे हैं वहाँ मारेंगे जाके, जान से ख़त्म करेंगे इसे। बंधक बंधक भी बनाया गया? हाँ जी। क्या पुलिस को लिखित रूप में शिकायत दी है बंधक बनाने के उसमें? अभी दे नहीं है जी सर। तो आपने पहले पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की जब बच्ची ने बताया आपको? तो सर इसीलिए नहीं करी थी हमने, तो जब हम अपने वहाँ चले गए मैंने कि क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़े से, अब उसी उसको लेकर आज उन्होंने मेरे साथ ये काम कर दिया। अब फिर फोन आया तो उन्होंने कह रहे चौकी में कंप्लेन कर दिया तेरे घर वालों ने, तो तू उन्हें कह दियो कि मैं बाइक पर था, बाइक से गिर गया, जब हाथ टूट गया जब सर में लग गई मेरे। पहले तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ मेडिकल करवा के आओ, पहले मेडिकल कटवा लिया। हाँ जी। अब क्या चाहते हैं? जी आपने, आपको मुझे उनकी वो चाहिए जी, इंसाफ चाहिए, कल को फिर करने लगेंगे जी। खतरा है अपने जान? हाँ जी जी, मैं कल यहाँ 56 से यहाँ आता हूँ, यहाँ मेरी दुकान भी है सर, दोनों के लिए खतरा है सर, कुछ भी हो सकता है। पहले ना सोनू नाम का लड़का मुझे परेशान करता था, तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि ऐसे ऐसे लड़का परेशान करता है, तो मेरे पापा ने वहाँ से मकान खाली कर दिया। उसके बाद हमने 56 के वहाँ पे मकान ले लिया, और 56 के मकान लेने के बाद हम, मैं यहाँ पे पार्लर सीखती थी गोची में पार्लर स्कूल के पास। ओ तो एक दिन ना चार पांच लड़के थे तो मुझे घेर लिया था। मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई लड़के परेशान करे, मेरे भाई आए, मेरे भाई को देख के सो वो चले गए भाग गए, तो मेरे भाई से कह रहे थे तुझे हम देख लेंगे बाद में। कौन है लड़के, कहाँ के लड़के हैं ये? सोनू नाम है, गोची में रहता था ये, हमारे पड़ोस का ही है ये, जरीना नाम है उसकी मम्मी। कितने समय से आपको परेशान कर रहे थे? बहुत समय से परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस को शिकायत नहीं दी थी आपने? ना सर, मैम पापा ने बोला था कि खाली के लिए सियानी लड़की है, इज्जत का सवाल है, इस पे कुछ नहीं किया था। आपने परिवार में बताया था? हमने परिवार में सबको बता रखा था। आज जो आपके भाई के साथ मारपीट की वो भी उन्होंने ही किया है, इसी रंजिश को लेकर? यस सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।